हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं लो समझ लो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। फिर आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, तो यह पेपर कंपलसरी है, अनिवार्य है पास करना, ठीक है। पर्यावरण पेपर को पास करना अनिवार्य है, बिना इसके पास किए हुए आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट पे, पर्यावरण अध्ययन पे 500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ और इस सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। अभी तक हमने एक पहला वीडियो इसको अपलोड कर दिया है और इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट में करके टोटल 500 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और भरोसा दिलाता हूँ, यदि 500 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 75% बिल्कुल ईजिली ला सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के पेपर में। और ये अनिवार्य भी है, इसको पास करना अनिवार्य है। यदि ये इसको नहीं पास कर पाते हैं आप, तो आपकी डिग्री जो है कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर सेकंड ईयर, किसी में भी हो, किसी भी ईयर में भी हो, तो इसको पेपर दे सकते हैं आप। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो पेपर हैं आपके, वो 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिए गए हैं, पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं, ठीक है, 2 अप्रैल तक पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। बट आप लोगों को अपनी तैयारी जारी रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सूचना है। और कल की वीडियो में मैंने नहीं बताया, और फिर भी जो आपको पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं, बट अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो भी टाइम मिला है इसका सही इस्तेमाल करें, ठीक है, और अपनी स्टडी को जारी रखें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट वन में टोटल हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम 26 नंबर से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डेंगू किसके द्वारा होता है। वेरी इजी क्वेश्चन है और पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, मधुमक्खी से, तितली से, मच्छर से, या फिर चूहे से। तो सभी को पता होगा यह डेंगू मच्छर से होता है, सा रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, जापानी मछली तथा चावल खाते, देखो जो जापानी होते हैं ये मछली तथा चावल का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, उसका रीजन क्या है। क्योंकि वे एशियाई हैं, वे बौद्ध हैं, वे चावल की खेती करते हैं, वह मछली पकड़ते हैं, ठीक है, और वे चावल व मछली का आयात करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, वे चावल की खेती करते हैं और मछली पकड़ते हैं। यही रीजन है कि जो जापानी होते हैं वे मछली तथा चावल का सेवन ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट देखो 28 नंबर क्वेश्चन रहता है, निम्न में से किस वर्ष क्योटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, बताना जो क्योटा प्रोटोकॉल था इस पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए। पहला है ऑप्शन 1987, दूसरा है 1997, तीसरा है 1990, या फिर ऑप्शन नंबर द 1985। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1997, ठीक है, बा ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही जवाब। आप लोग याद रखेंगे क्योटा प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 1997 में किए गए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1996, 1986, 1974, 1981, तो यह हुआ था 1986, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह लागू हुआ था 1986 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, वर्ष 2001 से लेकर 2011, ठीक है, के दशक में विश्व में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर रही है, बताना जो 2001 और 2011 के मध्य दशक था उसमें विश्व में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है। 1.6%, 1.4%, 1.2%, या फिर 1.0% सॉरी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ 1.6%। देखो 2001 से 2011 के दशक में जो जनसंख्या में वृद्धि पाई गई, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, पहले 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, अब 2021 में यह जनगणना हो गई, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ 1.6% की वृद्धि पाई गई हमारी जनसंख्या में 2001 और 2011 के दशक में, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन नंबर है 31,
क्वेश्चन नंबर 31 रहता है, भारत में 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। देखो वहाँ पर वृद्धि दर पूछी जा रही थी, क्वेश्चन ध्यान से समझना, वृद्धि दर पूछी जा रही थी और यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि पूछी जा रही है। तो ऑप्शन आ है लगभग 12 करोड़, ऑप्शन बा है लगभग 14 करोड़, ऑप्शन सा है लगभग 16 करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर द 18 करोड़। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर द 18 करोड़। ठीक है, 2001 से और 2011 के दशक के बीच जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि पाई गई। अब फिर से जनगणना होगा 2021 में, अब की बार देखते हैं कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, कितनी दर से होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। कहते हैं वर्तमान में जनसंख्या की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर निम्न में से किस महाद्वीप में है? बताना है वर्तमान में जनसंख्या की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर निम्न में से किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका या फिर यूरोप? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब एशिया बिल्कुल सही जवाब है, याद रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सेकंड नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पे विशालता की देखी जाए तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, और सबसे बड़ा कौन है? एशिया, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। मानवाधिकार दिवस, ठीक है, जो विश्व मानवाधिकार दिवस है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 नवंबर को, 5 जून को या फिर 15 सितंबर को? सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहता है महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया? देखो जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, उनको उनके लिए मतलब विशेष अवसर प्रदान करने के लिए एक अभियान चलाया गया महिला सशक्तिकरण, तो यह किस वर्ष मनाया गया था? ठीक है, 1988, 1979, 1975 या फिर 2001? तो यह जो मनाया गया था 2001 में, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी महिला सशक्तिकरण या फिर वर्ष मनाया जाता है वो 2001 में मनाया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 35। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं बता चुका हूँ, पार्ट वन में मैंने इसकी चर्चा की हुई है, 1 दिसंबर, 8 जनवरी, 10 दिसंबर या फिर 10 नवंबर? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 1 दिसंबर को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 रहता है विश्व में एड्स के रोगी कहाँ पाए गए? देखो जो विश्व में प्रथम एड्स रोगी मिला वो कहाँ पर मिला? प्रथम एड्स रोगी की बात कर रहा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑप्शन नंबर द भारत? तो जो प्रथम विश्व रोगी मिला था वो मिला था अफ्रीका में, आ रहेगा बिल्कुल सही जवाब, याद रहेगा, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर यदि वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आप परीक्षा में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे और अपनी परीक्षा में आप सही सही बिल्कुल इजीली तरीके से आंसर दे पाएंगे। यदि यार वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन कब आएगा? जब आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे तभी बेल आइकन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एड्स वायरस आक्रमण करता है, जो देखिए एड्स वायरस होता है यह कहाँ पर आक्रमण करता है, या फिर हम यूं कह लें कि हमारी बॉडी को किस तरीके से प्रभावित करता है? मस्तिष्क पर, प्रतिरोधी क्षमता पर, फेफड़ों पर या फिर यकृत पर? सही जवाब है प्रतिरोधी क्षमता पर। एड्स के द्वारा हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना का प्रचार अभियान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1985, 1986, 1995 या फिर 1996? सही जवाब है 1986। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही जवाब है, 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान का जो प्रचार हुआ था वो 1986 में हुआ था, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के किस कारक से प्रभावित नहीं है। देखो जो मानव स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य ऐसे समझो, पर्यावरण के किस कारक से प्रभावित नहीं है, जल, मृदा, वायु या फिर वन्य जीव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, वन्य जीव। ठीक है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो दूषित जल से भी प्रभावित होता है, दूषित मृदा से भी प्रभावित होता है और दूषित वायु से भी प्रभावित होता है, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य है वो वन्य जीवों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो वन्य जीव होते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसमें संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। अभी इकोसिस्टम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और उसको अच्छे से समझाऊंगा। इकोसिस्टम यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं थोड़े से थोड़ी जानकारी करके आपको सभी को बताता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है, तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या फिर सभी स्तर पर। तो या इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, सभी स्तर पर। देखो पर्यावरण शिक्षा जो है यह अनिवार्य है, सभी को पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए, वो फिर किसी भी देश के निवासी हों, और पर्यावरण के बारे में एक अच्छी जानकारी जो रखता है वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है और अपने देश के लिए कुछ अच्छे से कर सकता है, क्योंकि देखो पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, और पर्यावरण जब संतुलन हो रहा तो हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं और ये सभी स्तर पर आवश्यक है, इसको ठीक है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, गंगोत्री ग्लेशियर किस प्रदेश में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है यह किस प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो भैया यह स्थित जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने बहुत सारी छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है, 78% है, 21% है, 10% है या फिर 0.5% है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, 78% है। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है। ठीक है, एंड इसके बारे में आज थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो इसका आ नंबर बिल्कुल सही जवाब है, 78% होता है। अब हम अपने वायुमंडल को समझें, तो ध्यान से समझना वायुमंडल को। देखो ये मान लीजिए हमारा पूरा वायुमंडल है, ठीक है, ये क्या है, वायुमंडल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78.08% है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वो 20.95% पाई जाती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो वो भी आपको याद रखना है। जो आर्गन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.93%, और जीनान की जो मात्रा पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में जीनान पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, तो ये जो पाए जाते हैं 0.00009% पाई जाती है। और नियॉन की बात करें तो यह पाई जाती है 0.0018%, और हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, 0.00005% पाई जाती है। हीलियम भी बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ये सब इतनी कम मात्रा में है कि ये बहुत ढूंढने से मिलती है, समझ लो। हीलियम जो है 0.0005% पाई जाती है, और क्रिप्टॉन की बात करें तो ये बहुत ही कम मात्रा में, 0.0001% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.038% पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 38 पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस इतने परसेंट ये पाई जाती है, इसको आपको याद रखना। तो इसमें तीन याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, ऑक्सीजन याद रखना, नाइट्रोजन याद रखना, यही तीनों आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, जल के अंतर्गत, ठीक है, जो जलमंडल है हमारा, जलमंडल के अंतर्गत सतही जल, भूगर्भ जल, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, दोनों। ठीक है, जलमंडल के अंतर्गत सतही जल और भूगर्भ जल दोनों शामिल होते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है,
100 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक, या फिर 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब, 500 किलोमीटर तक। पृथ्वी पर जो हमारा वायुमंडल पाया जाता है वो 500 किलोमीटर तक पाया जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, या फिर वाह मंडल में। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन, जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं समताप मंडल में, ठीक है, आ रहेगा बिल्कुल सही जवाब। जो मौसम संबंधी परिवर्तन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं समताप मंडल में, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है जैवमंडल का विस्तृत होता है, जैवमंडल का विस्तृत होता है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर द 16 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर द 16 किलोमीटर, ठीक है। जो जैवमंडल का, ठीक है, बायोस्फीयर का जो विस्तृत होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, वो 16 किलोमीटर के दायरे में रहता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्न में से किस तत्व का प्रतिशत जैवमंडल में सर्वाधिक है, ठीक है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा नाइट्रोजन का, ठीक है, याद रहेगा। तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो जैवमंडल में सर्वाधिक है। यहाँ पर ध्यान देना जैवमंडल और वायुमंडल में डिफरेंस रहता है, तो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना, पेशेंस के साथ पढ़ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कहता है मरुस्थल की वार्षिक, ठीक है, मरुस्थल की वार्षिक वर्षा किससे कम होती है, मरुस्थल की जो वार्षिक वर्षा होती है किससे कम होती है, मीन्स कितनी पतली होती है या फिर कितनी मोटी होती है। तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर। सही जवाब है 25 सेंटीमीटर, मीन्स आ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। मरुस्थल की जो वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, याद रहेगा, आ रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी पर ताज़ा जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, ताज़े जल से हमारा अभिप्राय है जो पीने योग्य है, जिसको हम पीते हैं, ठीक है, और जो मीठा है, और पीने योग्य का मतलब वही है कि जो मीठा हो और साफ हो और वही हमारे लिए पीने योग्य है। तो पता है पृथ्वी पर ताज़ा जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.5%, 2.5%, 10%, या फिर 70%। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 0.5%, ठीक है, 0.5% जो है पृथ्वी पर ताज़ा जल पाया जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, और इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के पार्ट्स भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है, पेपर से पहले पहले सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूँगा। और यदि आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए 4 प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किए हैं, वो रखे हुए हैं हमारे पास, उसकी PDF फाइल भी बना दिया है मैंने, बन चुकी है। आप लोगों के लिए सारा दिन बैठकर मैं क्वेश्चंस को टाइप करता रहता हूँ, और यदि आप लोग मेरी मेहनत समझते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों के लिए मैंने PDF बहुत अच्छे से तैयार की है और रखा हुआ है, यदि आप लोग कहेंगे तो लाइव क्लास चलाऊंगा आप लोगों के लिए। एक लाइव क्लास में टोटल 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बढ़िया से धांसू धांसू क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और लाइव क्लास चलेगी 1 घंटे की, आराम से सभी लोग जुड़ेंगे आराम से, और प्रैक्टिस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 500 क्वेश्चंस ये दे रहा हूँ, 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 5-4 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है पर्यावरण अध्ययन जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर के अध्ययन यदि आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दे लीजिए, रेलवे हो गया, SSC हो गया, ठीक है, UPP हो गया, किसी भी एग्जाम में जिसमें GS पूछा जाता है, बहुत फायदेमंद रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। सभी में 5 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज से। देखिए इसमें साइंस भी आ जाता है, आपका इकोसिस्टम भी आ जाता है, और बायोलॉजी भी थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है, महत्वपूर्ण दिवस भी पूछ लिए जाते हैं, और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे फुल फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बोला है कि इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी बेहतर तैयारी करवा दूंगा इन्वायरमेंटल स्टडीज की, और सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी, अब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहे। क्वेश्चन नंबर 50 है,
प्रसिद्ध पर्यावरण पर्यावरणविद हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं वो बताना है। तो इंडियन जो भारतीय पर्यावरणविद हैं, बाबा आमटे, अटल बिहारी वाजपेयी, एम एस स्वामीनाथन या फिर सी वी रमन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, बाबा आमटे जो हैं यह प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आप यदि इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वीडियो को पीडीएफ को पोस्ट कर दूंगा। वीडियो को पीडीएफ आप अपने स्मार्टफोन में सेव करके अपने नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लो समझ लो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वंदे मातरम।